इस ऐतिहासिक आम सभा के निर्णय भी ऐतिहासिक ही होंगे, और मैं विश्वास दिलाती हूं कि निर्णयों में भारत का पूर्ण सहयोग इस सभा को प्राप्त होगा। अध्यक्ष जी, 70 वर्ष पूर्व इस देश के पश्चिमी तट पर सेंट फ्रांसिस्को चार्टर के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की आधारशिला रखी गई थी। भारत इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक देश था, लेकिन तब हम स्वतंत्र नहीं थे। हमने आजादी उसके 2 वर्षों बाद हासिल की। जब संयुक्त राष्ट्र का उद्भव हुआ, उस समय एक कमजोर कदकाठी वाला इंसान अहिंसा के शक्तिशाली अस्त्र के जरिए एक ऐसे आंदोलन का आखिरी अध्याय रच रहा था जो विश्व भर में दबे, कुचले और साम्राज्याधीन लोगों के लिए आशा की एक किरण साबित हुआ। मैं आभारी हूं संयुक्त राष्ट्र की, जिन्होंने उस अद्वितीय व्यक्ति के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। और ये एक सुखद संयोग है कि कल 2 अक्टूबर है, कल ही उनका जन्म दिवस है, और कल हम ये दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम क्या करते हैं पर हमें क्या करने की क्षमता है, इन दोनों के अंतर की विवेचना करके हम विश्व की समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। उनका ये संदेश संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में बहुत सही बैठता है। अध्यक्ष जी, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 70वां वर्ष एक ऐसा पड़ाव लेकर आता है जहां खड़ा होकर वो ये सोचता है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया। इसी प्रकार किसी भी संस्था से जुड़े लोगों के लिए भी 70वां वर्ष ये आकलन करने का मौका होता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संस्था का गठन किया गया था, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी, क्या इन 70 वर्षों में उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई, क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये प्रश्न आज हम सभी को अपने आप से पूछना होगा। और जब मैं ये प्रश्न अपने आप से पूछती हूँ तो कुछ प्रश्नों का उत्तर हाँ में मिलता है, कुछ का ना में। जैसे विश्व के 3रे युद्ध से बचाने के लिए, साम्राज्यवाद और रंगभेद भेद को समाप्त करने के लिए, वैश्विक महामारियों से निपटने के लिए, विश्व में गरीबी को कम करने के लिए, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है। किंतु जब हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या विश्व के अनेक कोनों में हो रहे संघर्षों को हम टलवा सके, तो उत्तर मिलता है नहीं। जब हम पूछते हैं कि क्या उन संघर्षों का स्थायी समाधान हम खोज सके, तो उत्तर मिलता है नहीं। जब हम पूछते हैं कि क्या हिंसा की राह पर चलने वाले विश्व को हम शांति का मार्ग दिखा सके, तो उत्तर मिलता है नहीं। तब लगता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र एक निष्प्रभावी संस्था साबित हो रही है। वो सुरक्षा और शांति की नई चुनौतियों का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने में अक्षम रही है। अध्यक्ष जी, आज विश्व के 3 महाद्वीप युद्ध की त्रासदी झेल रहे हैं, पर सुरक्षा परिषद इस खून खराबे को रोकने में या तो अनिच्छुक है या असमर्थ। ताकतों के इस्तेमाल के पारस्परिक समाधान से समस्याएं और जटिल हुई हैं। हमें अपने आप से ये पूछना होगा कि क्या हमारे पास ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति है जिससे हम विवादों के वैकल्पिक समाधान खोज सकें और एकाग्रचित्त और संकल्प के साथ इनको मूर्त रूप देने में जुट जाए। ये लक्ष्य शांति को स्थापित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नीले झंडे के तले संघर्ष को रोकने और आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति को स्थापित करने के लिए अनेक पुरुष और महिलाएं लगातार कार्य कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र को आज तक 1,80,000 शांति सैनिक उपलब्ध कराकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान किया है। आज भी लगभग 8,000 भारतीय सैनिक और पुलिसकर्मी बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 10 शांति मिशनों में भाग ले रहे हैं।
भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों को अपना सतत समर्थन देने के लिए वचनबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शांति प्रयासों की घोषणा करते हुए कहा है कि हम अपना योगदान बढ़ाने को भी तैयार हैं। हमारा नया योगदान शांति प्रयास के सभी पहलुओं को छुएगा, चाहे वो शांति सैनिक उपलब्ध कराना हो या उन्हें प्रशिक्षण देना हो। लेकिन ये दुख की बात है कि जो देश शांति सैनिक उपलब्ध कराते हैं, निर्णय प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। मैंडेट अपने आप तय किए जाते हैं और बीच मझधार में बदल भी दिए जाते हैं। आज मैं सुरक्षा परिषद से आह्वान करती हूं कि जो देश शांति सैनिक भेजते हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ही मैंडेट तैयार किए जाने चाहिए और चार्टर के अनुच्छेद 44 के तहत बुनियादी सिद्धांतों के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा यह भी मानना है कि ये शांति प्रयास राजनीतिक समाधान की जगह नहीं ले सकते, पर इस बात को होर्ता पैनल ने भी स्वीकार किया है। मैं इस 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन 3,300 से अधिक शांति रक्षकों को, जिनमें भारत के 161 शांति रक्षक भी शामिल हैं, श्रद्धांजलि देना चाहूंगी जिन्होंने शांति प्रयासों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि उन शांति सैनिकों की याद में एक स्मृति दीवार बनाई जाएगी। हम उस दीवार के बनाने के योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष जी, शांति सैनिकों की रक्षा, हमारे राष्ट्रों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भविष्य आज इस बात पर निर्भर है कि हम अपने समक्ष खड़े आतंकवाद के सबसे बड़े खतरे का किस प्रकार मुकाबला करते हैं। भारत पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय से इस खतरे का सामना कर रहा है। ये शहर भी न्यूयॉर्क 2001 की शरद ऋतु में बहुत विभत्स तरीके से आतंकवाद का सामना कर चुका है। तब से लेकर आज तक आतंकवादी घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है, आतंकवादी विचारधाराओं का विस्तार हुआ है। लेकिन दुख है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले राष्ट्रों की हरकतों का उचित तरीके से मुकाबला नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को संगठित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के जरिए ही हराया जा सकता है। विश्व को यह दिखाना होगा कि आतंकवादी जो बेकसूर नागरिकों की जान लेते हैं, उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो राष्ट्र जो आतंकवादियों को आर्थिक मदद देते हैं, उनको सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें हथियार मुहैया कराते हैं या उनके अभियानों में उन्हें सहायता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध एक व्यापक कन्वेंशन यानी CCIT को अब और टाला नहीं जा सकता। 19 वर्ष पूर्व सन 1996 में भारत ने यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया था, पर आज तक हम इसे पारित नहीं कर पाए। हम आतंकवाद की परिभाषा तय करने में ही उलझे हुए हैं। हमें यह समझना होगा कि आतंकवादियों में अच्छे और बुरे के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता और न ही आतंकवाद को मजहब के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो तो मानवता के प्रति अपराध करता है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि संयुक्त राष्ट्र के 70वें वर्ष में हम CCIT को पारित करने का संकल्प लेकर ही उठें। अध्यक्ष जी, आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए मैं उन चुनौतियों का भी उल्लेख करना चाहूंगी जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच बाधक बनी हुई है। हम में से कोई भी आतंकवाद को शासन के एक वैध हथियार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सन 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद समूचा विश्व आक्रोशित हुआ था। इन हमलों में केवल भारत के नागरिक नहीं बल्कि अनेक देशों के निर्दोष नागरिक बड़ी बेरहमी से मार दिए गए थे। मैं समझती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपमान की बात है कि इन हमलों की योजना बनाने वाला आतंकवादी सरेआम खुला घूम रहा है। आतंकवाद के संबंध में पूर्व में दिए गए आश्वासनों पर अमल करने की बात तो दूर,
सीमा पार से हाल ही में भारत में नए हमले हुए हैं। दो हमलों में तो हमने सीमा पार के दो आतंकवादी जिंदा पकड़े हैं। हम सब जानते हैं कि ये हमले भारत में अस्थिरता फैलाने और भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध कब्जों को वैध बनाने और शेष पर उसके दावे को पुष्ट करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं भारत पाकिस्तान वार्ता के विषय में भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, भारत हर विवाद का हल वार्ता के जरिए चाहता है, किंतु वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कल इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए, यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ठीक यही चर्चा आप दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उफा में हुई थी। आप दोनों में ये सहमति बनी थी कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बात करेंगे और आतंकवाद से संबंधित हर मुद्दे पर बात करने के लिए दोनों देशों के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपस में बात करेंगे। वो बैठकें अभी तक हो नहीं पाई हैं। हम चाहते हैं कि वो बैठकें हों और मैं इस मंच से विश्वास दिलाती हूं कि अगर उन बैठकों से विश्वसनीय परिणाम निकलते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत तुरंत द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार होगा। ये मैं यहां से घोषणा करती हूं। अध्यक्ष जी, आतंकवाद के खतरे का दृढ़ संकल्प से सामना करने के साथ ही हमें यह भी स्वीकारना होगा कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति यदि कर दी जाए तो शांतिप्रिय समाज की स्थापना हो सकती है। और ये विश्व के नक्शे पर जिन देशों में संघर्ष चल रहा है उनको देखने से भी प्रमाणित होता है। कुछ ही दिनों पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से विकास के नए एजेंडे को स्वीकारा है, जिसके मूल में टिकाऊ विकास के लक्ष्य की अवधारणा है और जिसका प्रारूप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से ज्यादा व्यापक और संपूर्ण है। इसको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और वित्तीय संसाधनों को साझा करना आवश्यक है और इसी के साथ इस पर अमली जामा पहनाने वाले तंत्र को भी और मजबूत करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, एक महिला होने के नाते और एक चुनी हुई सांसद होने के नाते मेरा ऐसा मानना रहा है कि सामाजिक बदलाव का एक छोटा रास्ता भी है और वो है लड़कियों को सक्षम बनाना। हमारा ऐसा विश्वास है कि बेटियों को ज्यादा अधिकार संपन्न करके सामाजिक बदलाव जल्दी लाया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति इसी परिकल्पना पर आधारित है। अध्यक्ष जी, हमारा भविष्य ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा विकसित विश्व दे सकें जो टिकाऊ। अब जब हम 2 महीने के भीतर पेरिस में मिलने वाले हैं, विश्व हमसे ये आशा करता है कि हम जलवायु परिवर्तन पर एक महत्वाकांक्षी और विश्वसनीय समझौते पर पहुंचेंगे। हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम इस ओर संयुक्त प्रयास करें, पर साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जलवायु परिवर्तन में कुछ देशों का ऐतिहासिक रूप से बड़ा हिस्सा रहा है, इसलिए उत्तरदायित्व में भेद तो करना ही होगा। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत को हम नकार नहीं सकते। आज अगर महात्मा गांधी होते तो मैं सोचती हूँ कि वो हमसे ये जरूर पूछते कि क्या हमने विश्व के संसाधनों का अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया है या लालच में आकर उनका शोषण किया है। हमें ये भी देखना है कि यदि हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर सकें और अनावश्यक खपत को घटा सकें तो हमारी दिशा ठीक हो सकती है। इसीलिए पेरिस समझौते को व्यापक और समानार्थी बनाना होगा और साथ ही इसमें ठोस कार्यवाही भी दिखानी होगी। विकासशील देश इस दिशा में ज्यादा प्रयास कर सकते हैं।
यदि उन्हें धनराशि दी जाए, तकनीक का हस्तांतरण कर दिया जाए और क्षमता विकास के लिए विकसित देशों से मदद दी जाए। भारत सदैव इस लक्ष्य की प्राप्ति के वैश्विक प्रयासों में स्वेच्छा से भागीदार रहा है। हम पेरिस में एक सार्थक, समानार्थी और प्रभावी समझौते को पाने के लिए अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन जरूर करेंगे। पर्यावरण के प्रति भारत की गहरी आस्था उसकी परंपराओं पर आधारित है, जिसमें प्रकृति को हमेशा से पवित्र माना गया है। इस पृथ्वी की खुशहाली हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस संपूर्णता की सोच से प्रेरित होकर ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। इस वर्ष प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व के 192 देशों में और संयुक्त राष्ट्र में भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस अवसर पर बेहद उत्साह और समर्थन दिखाया, और मेरी आशा है कि हमने जो बीज बोया है वो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। अध्यक्ष जी, वैश्विक महामारियों से निपटने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने के लिए मैं राष्ट्रों को बधाई देना चाहूंगी। अपने संयुक्त प्रयासों से हम छोटी चेचक और पोलियो का लगभग उन्मूलन कर पाए हैं। एचआईवी एड्स और हाल ही में फैले इबोला को नियंत्रित किया जा सका है। हालांकि इस बात का दुख है कि इबोला को नियंत्रित करने से पहले बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इबोला संकट इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ किसी भी वैश्विक संकट से निपटा जा सकता है। हमें इस बात पर गर्व है कि इन प्रयासों ने भारत ने अपनी अपेक्षित भूमिका निभाई है। अपनी सफलता से प्रेरित होकर हमें अन्य स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को दुगना करना चाहिए, चाहे वो टीबी हो चाहे मलेरिया। स्वास्थ्य संकटों की तरह ही प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित संघर्षों से निपटने के लिए भी हमें साझा प्रयास करने होंगे। हाल ही के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सीरिया, इराक और लीबिया के युद्धग्रस्त क्षेत्रों के शरणार्थियों की समस्या से निपटने में अपने आप को मुश्किल में पाया है। समय की मांग है कि इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ त्वरित कार्यवाही की जाए। हमारे अपने पड़ोस में हमने मानवीय संकटों का शीघ्र कार्यवाही और समग्रता के साथ सामना किया, चाहे वो नेपाल हो या यमन। भारत एक मददगार मित्र के रूप में उभरा है, जिसने न केवल अपने नागरिकों की अपितु अन्य राष्ट्र के नागरिकों की भी संकट की घड़ी में मदद की है। अध्यक्ष जी, पिछले 70 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की तरह भारत ने भी एक लंबा सफर तय किया है। हम ऐसा अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं में गहरे विश्वास की वजह से कर पाए हैं, लेकिन समय समय पर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिससे राष्ट्र को नई ऊर्जा मिले और उस भावना को पुनर्जीवित किया जा सके। पिछले 1.5 वर्ष में जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार ने भारत में कार्यभार संभाला है, हम इस नवीकरण की भावना से ही कार्य कर रहे हैं। इसी भावना को भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी उचित भूमिका निभाने में और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनने में हमारी मदद की है। इस व्यापक पुनर्जागरण के पीछे हमारा आदर्श रहा है सबका साथ सबका विकास, जिसमें हमारे सभी लोगों के कल्याण की भावना निहित है। हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने सभी सहयोगियों तक पहुंचने की जोरदार पहल की है। हमारा पहला प्रयास अपने नजदीकी पड़ोस की ओर रहा है और इसके उत्साहवर्धक परिणाम भी निकले हैं। हमने अपने विस्तारित पड़ोस की ओर भी पहुंचने की पहल की है और उनके साथ अपने सदियों पुराने संबंधों को दोहराते हुए उनके साथ आधुनिक आर्थिक भागीदारी बनाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हाल ही में हमने प्रशांत महासागर के 14 राष्ट्रों के साथ भारत में एक शिखर वार्ता का आयोजन किया है। हमने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला है और आर्थिक रूप से गुंजायमान इस क्षेत्र के साथ जोरदार तरीके से अपने संबंधों को मजबूत किया है। ये प्रयास हमारे लिंक वेस्ट प्रयासों का पूरक है। मध्य पूर्व शांति प्रवास की प्रक्रिया यानी मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस के प्रति भी हम वचनबद्ध हैं और हमें लगता है कि इसी के माध्यम से फिलिस्तीन का कोई समाधान निकलेगा, इसके प्रति भी हम आशावान हैं। ये प्रक्रिया इस क्षेत्र में कट्टरवाद का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। हमने विश्व महाशक्तियों के साथ भी
अपने संबंधों को और अधिक विकसित किया है। अफ्रीका एक ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। हमारी एकजुटता, साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे साझे संघर्ष और भविष्य की साझी संपन्नता की परिकल्पना पर आधारित है। इस महीने के अंत में हम तीसरी भारत अफ्रीका फोरम शिखर वार्ता का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम बार हम इस महाद्वीप के 54 के 54 राष्ट्रों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र होने के नाते भारत अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग है। हम वैश्विक स्तर पर भेदभाव रहित और पुष्टि योग्य परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसमें हमारी ओर से कोई कमी नहीं आई है। अध्यक्ष जी, जैसा कि राष्ट्रों के साथ होता है वैसा ही संस्थाओं के साथ भी होता है। समय समय पर सुधार से ही कोई भी संगठन अपना सही अर्थ और उद्देश्य प्राप्त कर पाता है। हमारे विश्व में आज भी धनी और असरदार राष्ट्रों का प्रभुत्व है। संयुक्त राष्ट्र में सार्वभौमिक समानता के विचार ने विकासशील विश्व को कुछ अनुचित कसौटियों पर सवाल उठाने का मौका किया है, लेकिन इसमें असमानता की इस व्यवस्था में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया जो एक ऐसे विश्व के लिए बनाई गई थी जो अब अस्तित्व में नहीं है। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के संरक्षक के रूप में संयुक्त राष्ट्र की प्रधानता और प्रासंगिकता को बनाए रखना है तो सुरक्षा परिषद में जल्दी सुधार की आवश्यकता है। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, ये समय की मांग है। 2015 में एक ऐसी सुरक्षा परिषद कैसे हो सकती है जो 1945 की राजनीतिक पृष्ठभूमि को दर्शाती हो? ऐसी सुरक्षा परिषद कैसे हो सकती है जिसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के लिए स्थायी सदस्यता का कोई प्रावधान ही ना हो? हमें सुरक्षा परिषद के निर्णायक तंत्र में और अधिक विकासशील देशों को शामिल करना होगा। हमें इसकी कार्यपद्धति में बदलाव लाना होगा। ये कार्यपद्धति पारदर्शी नहीं है और ये बहुत पुरानी भी हो चुकी है। सुरक्षा परिषद में संतुलन और वैधता लाकर हम इसकी विश्वसनीयता को पुनः स्थापित कर पाएंगे और इस प्रकार ये समय की चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा सक्षम सिद्ध होगी। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले एक वर्ष के दौरान महामहिम सैम कुटेसा और महामहिम रात्रे जी के नेतृत्व में हम वो कर सके जो पिछले 2 दशकों के विचार विमर्श के बाद भी नहीं हो सका था। आम सभा द्वारा निर्णय 69/560 की सर्वसम्मति से स्वीकृति के साथ सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए विचार विमर्श का एक पाठ सामने आया है। ये पहला और महत्वपूर्ण कदम संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के ऐतिहासिक 70वें अधिवेशन की कार्यवाही का आधार बनना चाहिए। अध्यक्ष जी, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के लिए 70 वर्ष का समय एक अलग महत्व रखता है। ये समय इसके पुनर्जागरण और बदलाव का समय है। मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ कि आप संयुक्त राष्ट्र को एक वटवृक्ष के रूप में देखें, एक बरगद के पेड़ के रूप में देखें। हमारे पूर्वी देशों की परंपराओं के अनुसार वटवृक्ष विवेक को दर्शाता है, लेकिन वो किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनाता, वो सबको अपने में समाहित करता है। इसकी कोई एक जड़ नहीं होती बल्कि कई जड़ें होती हैं जो बाहर की तरफ निकलती हैं और फिर भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिस प्रकार धरती और आकाश एक दूसरे से जुड़े हैं। इसकी विशाल शाखाएं हमें छाया और आराम देती हैं। इसके आधार पर बना चबूतरा एक ऐसा स्थान प्रदान करता है जहां बैठकर लोग चर्चाएं और विचार विमर्श करते हैं। वटवृक्ष के बीज को रोपित करने वाले व्यक्ति की उम्र से अलग वटवृक्ष 70 की उम्र पर भी जवान रहता है, लेकिन इसे लगातार सींचे बिना और इसका विस्तार किए बिना इसके सूखे जाने का डर भी बना रहता है। ऐसी ही कुछ नियति संयुक्त राष्ट्र की भी है। हमारे सामने एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम या तो इस महत्वपूर्ण संस्था में बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं और या इसे गहरे अंधकार में ढकाल सकते हैं जहां ये सूख जाएगा। हम आसानी से अपने स्वयं की बनाई हुई शाखाओं में उलझकर या तो अपने आप को खो सकते हैं, लेकिन यदि हम इस अवसर का लाभ उठाएं तो हम पाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र अपनी पूर्ण क्षमता के साथ विकसित होगा। एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जहां जो वो करता है और जो उसमें करने की क्षमता है उसके बीच का फासला बहुत कम हो जाएगा। इस प्रकार ये एक ऐसा वटवृक्ष होगा जिसकी छाया के तले मानव जाति
शांति और संपन्नता के साथ रह सकेगी। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा ही वट वृक्ष बने, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।